यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी जीत हासिल करेगी। बैठक में उपचुनाव के अलावा 2027 विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। इसमें कानपुर के सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। इसके अलावा 9 सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 5 सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंद्रकी अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास, तो मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद के पास थी। गौरतलब है 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी उत्साहित है। खबरों की माने तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को भी टिकट देने की तैयारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट करहल से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जो अभी तक सपा के पास थी। इनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंद्रकी सीसामऊ की सीट शामिल है। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी है और पार्टी इन सभी 10 सीटों पर अपने दम दिखाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।